हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएं कि आप जियो फोन में एयरटेल या आइडिया या फिर किसी और अदर सिम का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, तो उसमें एयरटेल की सिम उसमें चला कर दिखाया था, उसमें बात नहीं हो रही थी। तो बहुत दोस्तों कमेंट आ रहा था कि भाई इसमें बात करके दिखाओ, तभी तो इसमें एयरटेल की सिम काम करेगी, वरना नहीं करेगी। इसमें उसमें क्या होता था कि पहले इंटरनेट एक्सेस होता था उसमें, और यहाँ पर कॉलिंग बोल्ट कॉलिंग नहीं होता था। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएँ कि आप बात कैसे कर सकते हो एयरटेल की सिम से या फिर किसी और सिम से। तो इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगी आप कैसे चला सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक जियो सिम में हमने इसमें एयरटेल की सिम इसमें वर्क करके दिखा दी है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये रहा जियो का फ़ोन। ये जियो F90M मॉडल है। इसका पीछे का जो पर्चा है वो यहाँ से हट गया है, किसी ने रिपेयर किया होगा तो यहाँ पर इसका जो है वो निकाल दिया है। तो F90M मॉडल है, तो हम इसको आपको फ्लैश करके दिखाएंगे और इसमें एयरटेल की सिम चला कर दिखाएंगे। तो अभी रही ये एयरटेल की सिम, आप देख सकते हैं। तो हम इसमें अभी डाल देते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या आता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए इसकी आपको कोई टेंशन नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप भी एयरटेल की सिम अपने जियो फोन में चला सकते हैं। अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आपकी समझ में नहीं आएगा, तो आप अगर आपके में पहली बार में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह करना है और किस तरह की आपको इसमें प्रोसेस करनी है। तो दोस्तों इसने सिम पकड़ ली है एयरटेल की सिम, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया सिम कार्ड इज लॉक, प्लीज इंश्योर वैलिड जियो सिम इज इंसर्ट इन स्लॉट वन। तो यहाँ बता रहा है ये एक सिम कार्ड लॉक है, या इसमें जियो सिम डालें तब ये चलेगी, और स्किप का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर। तो आपको सिम को निकाल देना है। अब हम आपको इसकी प्रोसेस बताते हैं आपको कैसा कैसा करना है। तो आप लोग देख सकते हैं आपको इसके लिए चाहिए क्या, आप यहाँ पर मेरे लैपटॉप पर देख सकते हैं F90M की फाइल। तो आप लोग देख सकते हैं F90M यहाँ पर हमने जो है उसकी फाइल कर लिया डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट भी कर रखी है। तो आप लोग देख सकते हैं F90M की फाइल है और हमने एक्सट्रैक्ट भी कर रखी है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन तीनों की फाइल की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको राइट क्लिक, डाउनलोड होने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर पर कर देना है। तो हमने इसकी फाइल है जो एक्सट्रैक्ट कर रखी है, आप देख सकते हैं साइट आ गया है, इसका ये फाइल है और एक IMEI रिपेयर टूल है और ये इसका मिराकल थंडर है। तो मैं इसको मिराकल थंडर को ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मिराकल थंडर, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं अभी ये ओपन हो रहा है। और इसके लिए चाहिए आपको एक USB केबल, तो मेरे यहाँ पर लैपटॉप में USB केबल ये लगी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आपको एक ओरिजिनल USB केबल भी चाहिए, तो आप USB केबल मार्केट से खरीद सकते हैं, पर आपके मोबाइल के चार्जर में भी होती है, तो आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ओपन हो गया, ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आपको क्या करना है, अब ये MediaTek पर आप देख सकते हैं, तो आपको जाना है क्वालकॉम पर। क्वालकॉम पर जाने के बाद आपको रीड फॉर्मेट फ्लैश पर जाना है। तो आप देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पर जो ऑटो प्रोग्रामर है ना, तो आपको इसको अनचेक करना है और यहाँ वो फाइल डालनी है जो F90 की। तो यहाँ पर हमारी डेस्कटॉप पर रखी हुई है, तो F90 आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, तो F90M और यहाँ पर लाइव F90 और जो ऊपर वाली DDR MBN Y5 है प्रोग्राम EMC या 89 8909 DDR MBN Y5, तो इसको हम ओपन कर देते हैं इसमें। तो ये फाइल यहाँ पर आ गई है, अब यहाँ पर पोर्ट नहीं पकड़ा है हमारा, तो हमको क्या करना है, एक बार बैटरी निकाल करके और जो ये वाला है ना ये होम के, तो आपको ये प्रेस करके रखना है और USB में इनपुट कर देना है। तो इसमें कुछ एक बार में लग की आवाज़ आएगी और यहाँ पर पोर्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो इसमें पोर्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोर्ट आ गया है। अगर आपका पोर्ट नहीं आ रहा है तो आपको वेलकम का USB ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए, आपको इस फाइल में मिल जाता है। तो यहाँ पर अब हम रीड पार्टीशन कर लेते हैं पहले इसका, जो कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसको स्टार्ट बटन देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट बटन दिया हुआ है, तो हम स्टार्ट बटन दे देते हैं, तो यहाँ पर रीड पार्टीशन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर वो फाइलें आ गई हैं हमारी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फाइल,
अब आपको क्या करना है, ये है ना वाइप सिलेक्टेड, तो आपको वाइप सिलेक्टेड पर इस पर क्लिक करके और इस पर स्टार्ट बटन दे देना है, तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट होने लगा है, तो इसमें फॉर्मेट होने में करीब 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, तो आपको वेट करते रहना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट कंप्लीट का यहाँ पर मैसेज आ चुका है। अब हम अपने मोबाइल को अनप्लग करते हैं, तो अब हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये फुल फॉर्मेट होगा, इसके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है, तो ये ऑन नहीं होगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जब हमने इसको फॉर्मेट कर दिया है तो इसको फाइल भी चढ़ाएंगे हम। अब आपको जाना है कहाँ पर, यहाँ पर रीड फॉर्मेट फ्लैश दे रहा है, तो यहाँ पर तो अब आपको जाना है यहाँ पर फ्लैशिंग, आप देख सकते हैं बगल पर यहाँ पर फ्लैशिंग का ऑप्शन दे रहा है, तो आपको फ्लैशिंग पर जाना है। फ्लैशिंग पे जाने के बाद आपको ये जो ऑटो ऑटो पर लगा हुआ है इसको अनचेक करना है, और इसकी जो पहली फाइल है वो आपको यही फाइल फिर से डालनी है, पहली फाइल, और इसकी दूसरी फाइल है जो रो प्रोग्राम है डालना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं आप रो प्रोग्राम, तो आप ये डालना है और ओपन कर देना है। और तीसरी फाइल है जो वो आपको पैथ जीरो करना है, जो पैथ जीरो है ना यहाँ पर, तो पैथ जीरो करके और आपको ओपन कर देना है। अब आपको एक बार पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है, पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर होम बटन फिर से आपको क्लिक करना है, और होम बटन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूएसबी फिर से इनपुट कर देना है। तो ये अब मिलके गगा नहीं, क्योंकि ये फुल फॉर्मेट हो गया, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको तो यहाँ पर आपको पोर्ट सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर पोर्ट आ गया है, अब आपको स्टार्ट बटन दे देना है। और आपको एक बात का ध्यान रहे, आपको यहाँ पर ईडीएल मोड पर ही क्लिक करना है, और न्यू मेथड पर भी आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट बटन देखे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी फाइल है वो जाने लगी है इसके अंदर। तो अब ये जितना टाइम इसने फॉर्मेट करने में लिया था उतना ही ये टाइम ये फ्लैश करने में भी लेगा, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कम से कम 3 या 4 मिनट का आपको टाइम इसको देना है, तो ये अच्छी तरीके से फ्लैश हो जाएगा, तो ये मोबाइल ऑन हो जाएगा। अब हम आपको जैसा इसमें और करना है वो हम आपको इसके फ्लैश होने के बाद बताएंगे, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑल डन आ गया, तो ये अपने आप ऑन हो गया है, चार्ज भी होने लगा है। तो अब आपको एक और क्या करना है वो आप लोगों को बता देता हूँ मैं। तो अब इसको आपको क्लिक इसको काट देना है, और IMEI नंबर और इसमें डालना है, इसमें IMEI नंबर नहीं रहता, मैं आप लोगों को इसमें चालू करके दिखा देता हूँ पहले। तो IMEI नंबर की वजह से सिम कार्ड कोई सी भी नहीं पकड़ेगा, चाहे जियो का हो या एयरटेल का हो, तो एक तो इसमें IMEI नंबर डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका जो पीछे वाला पैच है वो नहीं है, तो मेरे पास दूसरा जियो फोन है जो डेड कंडीशन में है, तो मैं इसका IMEI नंबर इसमें डाल दूंगा। आपको ये नहीं करना है, इलीगल होता है, पर इसकी मुझे मजबूरी है, क्योंकि ये इसका IMEI नंबर का पीछे का पैच नहीं है, तो मुझे दूसरे का डालना ज़रूरी है। आप ऐसा मत करिएगा, ये इलीगल होता है, तो आपको नहीं करना है। तो ये ऑन हो रहा है, हम आपको इसका IMEI नंबर दिखा देते हैं। तो ये ऑन हो गया है, हम इसकी सेटिंग में ला के इसको IMEI नंबर आपको चेक करवा देते हैं। आपको चेक करने के लिए स्टार हैज 06 हैज, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 00 बता रहा है। तो इसका IMEI नंबर डालने के लिए आपको मोबाइल को करना है ऑफ, ऑफ होने के बाद आपको रख देना है मोबाइल को, और जो हमने इसका IMEI टूल है ना, ये इसको ओपन करना है, रन करके और ओपन करना है। तो इसमें हम इसका IMEI नंबर भर देते हैं, नंबर भर दिया है, अब इसको कर लेते हैं हम कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद आपको फिर से एक बार इसको कट कर देना है, कॉपी हो गया है हमारा नंबर। तो आपको मोबाइल को कर लेना है एक बार चालू बैटरी निकाल करके, और फिर वो इसमें चालू होते इसको USB इनपुट इसमें कर देना है, और अब आपको वो क्वालकॉम का टूल ओपन करना है। तो इसमें कॉम आ जाएगा, तो मतलब इसने पकड़ लिया, आप देख सकते हैं इसमें इसका कॉम आ गया है। तो हम वो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं जो हमने नंबर कॉपी किया है, पेस्ट हो गया। अब हम नीचे वही वाला पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर राइट IMEI पे कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर डन हो गया है, डन हो गया है। तो हमें एक बार और बैटरी इसकी निकाल लेनी है,
और इसकी जो है वो एयरटेल की सिम यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो ये एयरटेल की सिम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एयरटेल की सिम है, वही वाली जो डाली थी। तो हमने इसमें अंदर इसके डाल देते हैं पहले, तो ये डाल दिया है। अब हम इसको एक बार ऑन करते हैं। अब इसमें पता करते हैं कि इसमें एयरटेल की सिम के नेटवर्क कभी आए या नहीं आए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें एयरटेल के नेटवर्क आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम इसको आपको बात करके भी दिखा देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई एयरटेल के सिम से बात नहीं होती, तो हम अपने नंबर पर आपको लगा कर किसी नंबर पर बात करके दिखा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें नंबर डायल कर दिया। अब हम इस पर फ़ोन लगा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हेलो हेलो कहाँ है? आओ दुकान में। दुकान में तो है। आओ ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एयरटेल की से बात होने लगी है। अब इसमें इंटरनेट नहीं है, इसमें ख़त्म हो गया है, वरना मैं आपको यूट्यूब चला कर दिखा देता। जैसे आप अपने एयरटेल की सिम चला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।